तो भाई डल रहा है गाड़ी में तेल भाई, लैंस डाउन हो ना, गाड़ी की टंकी फुल करा के आना। हर हर महादेव। ये भी जा रही है महादेव के दर्शन करने, देखो बछड़ा भी है बीच में, मियां बेबी बच्चे समेत। इसका जो ब्रेक का कैलिपर होता ना, कैलिपर यहाँ पे अंदर, वो ना लग के ना आवाज कर रहा है डिस्क पे, चू 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 बोल रहे हैं। गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। रात बहुत भारी थी, समझ में नहीं आ रहा था कि खोपड़ी में क्या चल रहा है, खाना खाया है नहीं खाया है, खुद को ही नहीं पता था कुछ भी। तो अभी बस हम यहाँ से निकल रहे हैं तारकेश्वर महादेव टेम्पल के लिए, और मैं आपसे ऑन द वे मिलता हूँ फिर डायरेक्ट। टेक केयर। यहाँ से मैं चल पड़ा अपनी दूसरी मंजिल की ओर, तारकेश्वर महादेव मंदिर। तो चलिए मेरे साथ सफर में बने रहिए और आनंद और लुफ्त लीजिए नजारों का। तो गाड़ी का हो गया तेल खत्म, अब जाएं कैसे? एक भैया ने बताया कि ऊपर तेल मिलता है लैंसडाउन में, पेट्रोल पंप तो है नहीं, तो हम भैया पे आए यहाँ पे, इसके अंदर तेल भरा हुआ है, और अब भैया इसमें से निकल के 5 लीटर गाड़ी के अंदर डालेंगे, तब हम यहाँ से निकलेंगे तारकेश्वर महादेव मंदिर के लिए। तो आपसे मैं मिलता हूँ वहीं पे रास्ते में, तब तक पेट्रोल डलवाता हूँ। तो भाई डल रहा है गाड़ी में तेल, भाई लैंस डाउन आओ ना, गाड़ी की टंकी फुल करा के आना, बाद में ये मत बोलना कि भाई हम तो आ गए, क्योंकि नहीं तो आपको ऐसे तेल डलवाना पड़ेगा गाड़ी में। ये मार्केट एरिया है पूरा, सदर बाजार कहते हैं इस एरिया को। सुख शांति और सुकून चाहिए हो तो लैंसडाउन आओ, क्योंकि यहाँ पे ना पोल्यूशन मिलेगा आपको, ना ज़्यादा भीड़ मिलेगी जैसे और हिल स्टेशनों पे मिलती है, नैनीताल मसूरी सब जगह, यहाँ खाली है दूर दूर तक, ना ट्रैफिक का शोर है। तो इसलिए उठाओ गाड़ी और आ जाओ सीधा, जैसे मैं आ गया उठा के गाड़ी, बट टाइम चाहिए बंदे के पास, टाइम होना चाहिए यार आने के लिए। बाकी तो यहाँ सब बढ़िया है, सब बढ़िया है यार, पीछे देखो क्या नज़ारे हैं। तो फाइनली आफ्टर 2 आवर्स ऑफ ड्राइव हम पहुंच गए श्री तारकेश्वर धाम मंदिर। पूरा जंगल में है ये यार। हर हर महादेव। वो आश्रम है धर्मशाला है वहां पर।
हेवन है यार, ये स्वर्ग सिद्धपीठ श्री ताड़केश्वर धाम। ओम नमः शिवाय, जय महाराज। जय मेरी माँ। माँ जय माता दी, जय माता दी। आप जब इस मंदिर में दर्शन करने आएंगे तो आपको एक चीज़ और यहाँ पे दिखेगी, यहाँ ढेर सारे बंदर हैं। कहते कुछ नहीं है, बस आपसे प्रसाद मांगेंगे, प्रसाद दे देना इनको। प्रसाद के लिए आपको फिर जाने नहीं देंगे, नहीं तो आगे महादेव के पास। ओम नमः शिवाय, हर 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 महादेव। यहाँ देख, यहाँ देख, कहते हैं ये मंदिर तकरीबन 1500 साल पुराना है। और मोटा मोटा मुझे पंडित जी ने बताया, कहते हैं ताड़कासुर का वध यहीं पे किया था कार्तिकेय ने। वो है वो स्थान वहाँ पे जहाँ मैं आपको भी दिखाया था। जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको चारों तरफ जंगल दिखेगा, घना जंगल। ये भी जा रही है महादेव के दर्शन करने, देखो बछड़ा भी है बीच में, मियाँ बेबी बच्चे समेत। अरे भाई पीछे भी आ रही है कर मेरी जगह पे घुस गई। तो महादेव के दर्शन तो हो गए हमें, और अब यहाँ रुके हैं चाय पीने। यार एक प्रॉब्लम हो गई है गाड़ी में, और पुरानी है कुछ तो होगा। इसका जो ब्रेक का कैलिपर होता है ना, कैलिपर यहाँ पे अंदर, वो ना लग के ना आवाज़ कर रहा है डिस्प्ले, चूं 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 बोल रहा है। हाँ जी, हेलो जी, हाँ जी, हाँ जी, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको? हाँ चलो। हाँ तो यहाँ पे ना वो तंग कर रहा है यार। अब मैं किसी को दिखाएंगे मैकेनिक को लैंसडाउन में वापस पहुँच के, देखते हैं फिर वो ठीक करता है या क्या है। नहीं नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ना कोई दिक्कत नहीं है। कुत्तों से तो पुराना नाता है जी मेरा। यही तो खाते हैं। अच्छा अच्छा, सारे ही बैठे हुए हीरो हैं।
हरे राम। आ जाए अंदर। मैंने कहा आपकी किचन भी दिखा दे। अच्छा तो जी अंकल जी बना रहे हमारे लिए चाय, बढ़िया कड़क सी। कड़क बना रहे हो ना अंकल जी? बस मीठी और कड़क। मीठी और कड़क। पीछे पीछे घूमे जा रहा है। ये तो महाराज भी आ गए बड़े वाले। ये देखो अभी चाय पीने नहीं बैठे। वो देखो पहले अपनी, इनको पहले भोग लगेगा भाई। ये पहले आएंगे। उधर जा यहाँ चाय गिर देगा तू, नहीं तो मेरी। कोई नहीं एक बिस्किट दे देता हूँ मैं। आप खरगोश साहब ऐसे क्या? अरे नहीं कोई दिक्कत नहीं। इधर ये ले। अबे ये ले, इधर ये ले। हाँ यहाँ खा भाई। यहीं घुस गया ये तो बीच में। आप बुला लो इसको अब आप, या मैं वो खाने नहीं देगा ही नहीं तो। जल जा। तो भाई वहां से निकलने के बाद लैंसडाउन को मतलब पीछे छोड़ दिया है। अब हमने कोटद्वार आने वाला है और कोटद्वार से सीधा अब मैं देहरादून निकल रहा हूँ घर, क्योंकि कल मुझे कुछ काम है वो काम निपटाने हैं और उसके बाद एक नई जर्नी पे निकलेंगे बहुत जल्दी। और अभी बस व्लॉग में आज मैं इतना ही दे पाऊंगा यार, क्योंकि पहुंचना भी है मुझे घर। और एक ही दिन में इतनी राइड ना, रोलर कोस्टर राइड की तरह लगती है। वैसे लैंसडाउन का व्लॉग मैं छोटा ही रखना चाहता हूँ, क्योंकि एक शांत जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या दिखा सकते हो? पेड़ पौधे, शांति, उसके अलावा क्या? अगर 20 मिनट तक आप ये देखना चाहते हो कि भैया हाँ पेड़ पे गिलहरी चल रही है, तो वो बेकार है यार। आप खुद कहोगे भाई क्या दिखा रहा है। तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट रखा है। सिर्फ तारकेश्वर महादेव मंदिर गया मैं वहाँ पे, जो कि मुझे महादेव के दर्शन करने थे, करके अब सीधा वापस अपने घर को हो लिए हम। तो मिलते हैं आपसे फिर देहरादून में बहुत जल्दी। ओके सो राइट नाउ आई एम एन रोड टू देहरादून एंड बीच में एक मैं जगह पे रुका जहाँ पे एक बहुत ही टेम्पटिंग परांठा मेरे सामने रखा गया है यार। एंड बिलीव मी दिस इज ओनली अ वन सिंगल परांठा। नाउ दिस लुक्स अल्टीमेट टू मी। Let me have my food and I'll see you up in Dehradun. तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ दून अपने घर। Good to be at home. घर वाली फीलिंग आ जाती है यार तो आती है।